वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर ज्यामिति रचनाएं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यह देखा कि त्रिभुज का वर्गीकरण किस तरीके से होता है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुजों का वर्गीकरण हम लोग किस किस बेसिस पे करते हैं, इस कंटेंट के आधार पर हम लोग इस चीज़ को करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुजों का वर्गीकरण किस किस के आधार पर होता है, किसके किसके बेसिस पे होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग इस कंटेंट के आधार पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि त्रिभुजों का किस किस तरीके से होता है, किसके किसके बेसिस पे होता है, तो इस कंटेंट के आधार पर हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हम लोग त्रिभुज के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखे थे, तो इस कंटेंट के आधार से हमारे पास जो वृत्त के माध्यम से जो आता है, ठीक है, इस वृत्त के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आगे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो वृत्त के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि वृत्त के माध्यम से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है। त्रिभुज के तो बेसिस पे हम लोग देख लिए, त्रिभुज के बेसिस पे अब देख लिए हम लोग, अब इसको वृत्त के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग किसके बेसिस पे देखते हैं, हम लोग इस चीज़ को वृत्त के बेसिस पे देखते हैं कि वृत्त के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं और किस किस के बेसिस पे आते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जिस तरीके से त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है भाई, उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे होता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में ये आते जाता है भाई। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज होगा, किस किस के बेसिस पे होगा, कहाँ से आएगा और किस किस के वजूद में होगा, ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो वृत्त के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो आप लोगों का जो परिधि के माध्यम से आप लोग जो जानते हैं भाई, परिधि के माध्यम से आप लोग एक चीज जानते हैं, ये एक आप लोगों का परिधि के माध्यम से जो कि प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़े थे, परिधि के माध्यम से एक चीज़ को पढ़े थे और एक चीज़ को आप लोग किसके माध्यम से पढ़े थे, क्षेत्रफल के माध्यम से पढ़े थे। एक चीज़ आपका परिधि के माध्यम से होता है, एक क्षेत्रफल के माध्यम से होता है, और एक आप लोगों का क्या होता है, परिधि क्षेत्रफल होता है, एक आप लोगों का त्रिज्या होता है भाई, और एक आप लोगों का क्या होता है, व्यास होता है भाई। एक आप लोगों का क्या होता है, व्यास के बेसिस पे होता है, एक आप लोगों का किसके बेसिस होता है, व्यास के बेसिस पे। तो परिधि के बेसिस पे हम लोगों को इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो किस किस कंटेंट के हिसाब से होता है इस चीज़ को देखते हैं। ये परिधि के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को हम लोग क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे भाई, क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या आएगा, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को हम लोग त्रिज्या के माध्यम से देखेंगे, त्रिज्या के बेसिस पे किस तरीके से आएगा, उसके बाद इस चीज़ को हम लोग व्यास के माध्यम से देखेंगे कि व्यास के माध्यम से किस कंटेंट के हिसाब से आएगा। क्लियर। तो परिधि के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, तो परिधि के बेस पे जब हम इस चीज को देखते हैं तो ये 2 पाई आर के बेसिस पे आता है, क्षेत्रफल के दृष्टि से देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे आता है, त्रिज्या के बेसिस पे देखते हैं तो स्मॉल आर के बेसिस पे आता है, व्यास 2r होता है, इसका दोगुना होता है भाई। क्लियर, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है, त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, तो परिधि के बेस पे देखते हैं तो इसको सर्कमफेरेंस सी के साथ डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को एरिया के साथ तो ए के साथ डिनोट करते हैं, त्रिज्या को हम लोग रेडियस आर के साथ, डायमीटर व्यास को डी के साथ हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग सी इक्वल सी किसके बेसिस हो जाएगा, 2πr के बेसिस पे हो जाएगा। सी किसके बेसिस हो जाएगा भाई, तो सी आपके लोगों के 2πr के बेसिस हो जाएगा, ए किसके बेसिस हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा, आर किसके बेसिस हो जाएगा, स्मॉल आर के बेसिस हो जाएगा, डी किसके बेसिस हो जाएगा, 2r के बेसिस हो जाएगा। तो जैसे कि व्यास के दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को दृष्टिगोचर करते हैं तो हमारे पास ये आता है, सर्कमफेरेंस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो परिधि 2πr के बेस पे आता है, 2πr के बेस पे आता है, किसके बेस पे आता है, ये आप लोगों का 2πr के बेस पे आता है। और इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो इस कंटेंट के हिसाब से ये पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे आता है, और इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये आप लोगों का स्मॉल आर के बेसिस पे आता है, और डी को हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोगों का 2r के बेसिस पे आता है। तो परिधि इक्वल टू 2πr के बेसिस पे हमारे पास आता है, और क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे आता है, त्रिज्या रेडियस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो स्मॉल आर के बेसिस पे आता है, व्यास के दृष्टि से देखते हैं तो 2r के बेस पे आता है। अब केंद्र के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं वृत्त के माध्यम से, जब केंद्र के साइड से हम लोग इस चीज़ को लेते हैं, इस तरीके से वृत्त हमारे पास होता है, अब केंद्र के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को लेते हैं भाई। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इस चीज़ को केंद्र के वजूद इस तरीके से व्यास, ये आप लोगों का वृत्त का व्यास होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का केंद्र बनता है, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं, ये आप लोगों का क्या होता है, जीवा, अरे आप लोगों का रेडियस के बेस होता है, ये त्रिज्या होता है भाई, ये क्या होता है, त्रिज्या के माध्यम से होता है। क्लियर, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस किस के बेसिस पे होता है, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं।
तो इस कंटेंट के बेसिस पे ये क्या होगा, इस कंटेंट के बेसिस पे इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, और इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, और इस कंटेंट को क्या बोला जाता है, इसको बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, और ये आप लोग सेंटर पॉइंट क्या होता है, इस चीज़ के बेसिस पे हमारे पास ये क्या होता है, इस चीज़ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, और ये किस बेसिस पे होता है, इस चीज़ के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वन बाय वन करके इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ये किस किस के बेसिस पे आता है। जैसे कि आप लोग वृत्ताकार मार्ग का जो क्षेत्रफल पढ़ते थे आप लोग, पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर के बेस पे, पर और आर त्रिज्या आर के बेस पे देखते हैं, व्यास को टू आर के बेस पे देखते हैं, क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के बेस पे देखते हैं, परिधि को टू पाई आर के बेस पे देखते हैं, परिधि को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, टू पाई आर के बेसिस पे देखते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग आगे कंटेंट के हिसाब से जब सॉल्व करते हुए चले जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आते जाता है इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो परिधि क्या होता है, टू पाई आर के बेसिस पे होता है, सी इक्वल टू परिधि टू पाई आर के बेसिस होता है, क्षेत्रफल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, आर त्रिज्या इक्वल टू स्मॉल आर के बेसिस पे होता है, डी व्यास इक्वल टू टू आर के बेसिस पे होता है। तो वृत्त के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, सी परिधि इक्वल टू टू पाई आर होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे होता है, आर इक्वल टू त्रिज्या स्मॉल आर के बेसिस पे होता है, डी इक्वल टू व्यास टू आर के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो परिधि टू पाई आर के बेसिस पे होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे होता है, त्रिज्या आर के बेसिस पे होता है, व्यास 2r के बेसिस पे होता है, व्यास किसके बेसिस होता है, 2r के बेसिस होता है, त्रिज्या आर के बेसिस पे होता है, और ये आप लोगों का पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे होता है। तो परिधि इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर के बेसिस पे होता है। क्लियर। अब इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं, ये आप लोगों का क्या कहलाता है, ये आप लोगों का केंद्र कहलाता है, ये आप लोगों का क्या कहलाता है, ये आप लोगों का केंद्र कहलाता है, ये आप लोगों का क्या कहलाता है, ये आप लोगों का जीवा कहलाता है, ये आप लोगों का क्या कहलाता है भाई, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, जीवा कहलाती है। ठीक है, और ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, त्रिज्या। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, और जो जीवा व्यास, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसको व्यास कहते हैं। ये आप लोगों की क्या हो जाएगी भाई, ये आप लोगों की परिधि हो जाएगी, ये परिधि हो जाएगी, जिसको 2 पाई आर बोलते हैं, और व्यास 2 आर के बेस होता है, केंद्र को ओ के माध्यम से, और त्रिज्या को स्मॉल आर के माध्यम से, जीवा को सी के कोण के माध्यम से हम लोग इसको शो अप करते हैं। तो ये वृत्त के माध्यम से हमारे पास ये कंटेंट आते जाते हैं भाई, जिस तरीके से हम लोग इस चीज को देखते हुए चले जाते हैं। तो इस कंटेंट के माध्यम से हमारे पास बहुत सारे चीज आती है जो इस कंटेंट के मुताबिक चलते रहते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग ये दोनों चीज को क्लियर करते हुए चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज को हम लोग यहां से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। तो इसके बेसिस पे आपके पास जो जो चीज़ भी आते जाते हैं इस कंटेंट के मुताबिक आप लोग इस चीज़ को देखते जाइए कि ये किस किस के बेसिस पे होते हैं, किसके किसके अकॉर्डिंग में ये आते जाते हैं, ये किस किस के बेस पे आते जाते हैं, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जैसे कि परिधि के बेस पे हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर के बेसिस पे होता है, 2 पाई आर के बेसिस पे होता है, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे होता है, और त्रिज्या आर के बेसिस पे होता है, व्यास 2r के बेसिस पे होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि केंद्र, यहाँ पर केंद्र को से दर्शाते हैं, ये आप लोगों का केंद्र का माध्यम है, यहाँ पर आप लोगों का केंद्र है। ठीक है, ये क्या है, आप लोगों का केंद्र है। ठीक है, इस केंद्र के बेस पे आप लोग जान सकते हैं, रेडियस के बेस पे आप लोग इस चीज़ को वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से जो आप लोगों का वृत्त के चारों तरफ घिरा परिधि हो जाएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जो जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है उसी को व्यास कहते हैं, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, और केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा क्या होती है, त्रिज्या होती है, और परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो ये आप लोगों का जीवा के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के जीवा के माध्यम से हो जाता है, और आप लोगों का किसके माध्यम से हो जाता है, ये त्रिज्या के माध्यम से हो जाता है। बेसिकली रेडियस की स्मॉल आर से व्यक्त किया जाता है, केंद्र को से व्यास डी के बेस पे होता है आप लोगों का डायमीटर, ये आप लोगों का सर्कमफ्रेंस होता है सी के माध्यम से होता है। क्लियर। तो वृत्त के अंतर्गत ये आप लोगों को जो बेसिकली चीज है इस चीज को आप लोगों को जानना पड़ेगा कि परिधि के बेस पे क्या होता है, 2 पाई आर के बेसिस पे क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे क्या होता है, त्रिज्या आर इक्वल टू क्या होता है, व्यास 2 आर के बेस पे क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, ये सारे कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को जानते हैं। उसके बाद आप लोगों को एक चीज जानना पड़ेगा कि चतुर्भुज के बेसिस पे क्या क्या चीज होता है, चतुर्भुज के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, ये सारे चीज को हम लोग यहां से जानते हैं भाई। देखिए, ठीक है, चतुर्भुज के बेसिस पे आप लोगों को किस चीज को जान लेना है, ठीक है, क्योंकि ज्यामितीय रचना में चतुर्भुज के बेस पे भी आएगा, त्रिभुज के बेस पे भी रचना करना है, चतुर्भुज के बेस पे भी रचना करना है।
ठीक है, तो एक आप लोगों का त्रिभुज के बेसिस पे होता है और एक आप लोगों का चतुर्भुज के बेसिस पे होता है, क्लियर। एक आप लोगों का किसके बेसिस पे होता है, एक त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, और एक को किसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, एक को हम लोग सॉल्व करते हैं चतुर्भुज के बेसिस पे, एक को हम लोग सॉल्व करते हैं किसके बेसिस पे, चतुर्भुज के बेसिस पे। तो इस चीज़ को अगर हम लोग चतुर्भुज के बेसिस पे लिखना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग चतुर्भुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई कि चतुर्भुज के अंतर्गत क्या होता है। तो जिस तरीके से अभी मैं वृत्त के बेस से बताया, त्रिभुज के बेस से बताया, अब यहाँ से मैं चतुर्भुज के बेस पे आप लोगों को ये चीज़ को बता रहा हूँ कि चतुर्भुज के बेसिस में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं, किस किस के हिसाब से होता है, ये सारे चीज़ को यहाँ से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चतुर्भुज के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, चतुर्भुज के बेसिस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो पहला चतुर्भुज क्या है इस चीज़ को जानना पड़ेगा आप लोगों का, चतुर्भुज के अंग क्या होते हैं, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, इस चीज के अंतर्गत आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो चार जैसे उसको हम लोग क्या बोलते थे, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, त्रिभुज को क्या बोलते थे, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति बोलते थे। अब इसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज को चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तो चतुर्भुज के बेस पर जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तो चार भुजाओं से, ये देखिए, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी, ठीक है। कितने भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी। तो यहाँ पर इसको मैं डेफिनेशन के बेस पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ आता है इस कंटेंट के हिसाब से, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी, कितने भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी, कितने भुजाओं से घिरी, तो चार भुजाओं से घिरी। इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, देखते हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे थे चतुर्भुज के बेस पे कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति भाई, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है, चतुर्भुज, चतुर्भुज कहलाती कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चतुर्भुज किसको बोलते हैं, तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में, चतुर्भुज क्या होती है, खुली आकृति, बंद आकृति होती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है, जैसे कि त्रिभुज एक बंद आकृति, उसी प्रकार से चतुर्भुज एक एक बंद आकृति है, एक बंद आकृति है, चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, ठीक है। तीसरा, चतुर्भुज के अंतः भाग एवं बाह्य भाग, यहाँ पर होता है अंतः भाग एवं बाह्य भाग, एवं बाह्य भाग, अंतः भाग एवं बाह्य भाग होता है। और चौथा चीज को हम लोग देखते हैं, चतुर्भुज एक बंद आकृति है, चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, अंतः भाग एवं बाह्य भाग, क्लियर। चतुर्भुज एक बंद आकृति है, चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग एक बाह्य भाग होता है। अब चतुर्भुज के चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा एवं चार कोण होते हैं, एवं चार चार कोण कोण
होते हैं। पांचवा, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में दो दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के चारों चारों चतुर्भुज के चारों अंतः अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश, 360 अंश होता है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो चतुर्भुज के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं। चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं? चतुर्भुज के दो भाग होते हैं। चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं भाई? तो चतुर्भुज के दो भाग होते हैं। चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं? तो चतुर्भुज के हमारे पास दो भाग होते हैं भाई। चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं? तो चतुर्भुज के दो भाग होते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग के बेस होता है, एक बाह्य भाग के बेस होता है। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। एक अंतः भाग होता है, एक क्या होता है? बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। यहां से देख रहे हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज क्या होती है? तो चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं। चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं? तो चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। ठीक है, चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार भुजा होते हैं एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? तो 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति वाला है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं। चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं? तो चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग के बेस पे आता है और एक आप लोगों का बाह्य भाग के बेस पे आता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार भुजा होते हैं, चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितने अंश का होता है? तो 360 अंश का होता है। क्लियर। तो जब भी हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं भाई, तो आप लोगों को बेसिक जानकारी के बेस पे आप लोगों को यह चीज जाननी चाहिए कि यदि कोई चारों भुजाएं एक साथ एक बंद आकृति का निर्माण कर लेते हैं, अगर चारों भुजाएं आपस में मिल जाते हैं भाई, अगर चारों भुजाएं आपस में क्या कर लेते हैं? मिल जाते हैं। जैसे कि इस कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर अगर मिल जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों का फर्स्ट है, ये आप लोगों का फर्स्ट हो गया, ये आप लोगों का सेकेंड हो गया, ये आप लोगों का मान लेते हैं थर्ड हो गया, ये आप लोगों का फोर्थ हो गया। ये चारों इस कंटेंट के हिसाब से मिल गए देखिए, तो ये आप लोगों का किसका निर्माण कर रहे हैं? चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज के बेस हम लोग ये देखते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति वाला है। चतुर्भुज एक बंद आकृति वाला है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को। चतुर्भुज किस प्रकार की आकृति होती है? तो चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज एक क्या होती है? चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज कितने भुजा
भुजाओं से घिरी होती है, तो चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी होती है। चतुर्भुज कितने भुजाओं से घिरी होती है, तो चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी होती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज एक क्या आकृति की होती है, चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज क्या है, तो बंद आकृति होती है, चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज क्या आकृति होती है भाई, तो चतुर्भुज किस प्रकार की आकृति होती है यह पूछा जाएगा क्वेश्चन में, कोई भी पूछते हैं तो आप लोग बताना पड़ेगा कि चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं बोलेंगे, तो चतुर्भुज के अंदर वाले भाग को अंतः भाग बोलते हैं, चतुर्भुज के बाहर वाले भाग को बाह्य भाग बोलते हैं, इसलिए अंतः भाग एवं बाह्य भाग बोला जाता है। ठीक है, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं बोला जाएगा, तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। जैसे त्रिभुज में तीन शीर्ष तीन भुजा तीन कोण होते थे, उसी प्रकार चतुर्भुज में क्या हो जाएंगे, चार भुजा चार शीर्ष एवं चार कोण हो जाएंगे। तो चतुर्भुज में चार शीर्ष चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है भाई, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज की इस प्रकार की आकृति है, तो चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं, तो चतुर्भुज के दो भाग होते हैं। कौन कौन से वो दो भाग हैं, तो पहला अंतः भाग होता है, दूसरा बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, अंतः भाग एवं बाह्य भाग। चतुर्भुज में चार शीर्ष चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, तो चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का कितने अंश होता है, तो चतुर्भुज में चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज एक क्या आकृति का होती है, तो चतुर्भुज एक बंद आकृति का होता है। चतुर्भुज क्या आकृति है, तो चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक क्या आकृति होती है, तो चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं, तो चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग के बेस होता है भाई, तो दूसरा बाह्य भाग के बेस होता है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजाएं होती है, तो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 360 अंश का होता है। तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग जब इस चीज को देखते हैं, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन के बेसिस पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो चतुर्भुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो यहां से इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग यहां से ये चीज सॉल्व कर सकते हैं कि चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज के बेसिस पे यहां पर हम लोग इस चीज को देखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है, क्लियर। तो चतुर्भुज के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं, चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, अंतः भाग एवं बाह्य भाग। चतुर्भुज का अंतः भाग होता है एवं क्या होता है, बाह्य भाग होता है। तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार भुजा होते हैं, चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या चीज होता है इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, इस सारे चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, अंतः भाग एवं बाह्य भाग। चतुर्भुज में चार शीर्ष चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है, क्लियर। जैसे कि यहां पर हम लोग इस चीज को देख लिए, देखिए अब इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ भाई, ए बी सी के रूप में मैं डिनोट कर दे रहा हूँ इस चीज को। ये आप लोगों का ए है, ये आप लोगों का बी, ये आप लोगों का सी, और ये आप लोगों का डी है भाई, क्लियर। ये आप लोगों का डी है। और जब हम विकर्ण की बात करते हैं भाई, विकर्ण की बात करते हैं, तो विकर्ण ये कहलाता है आप लोगों का। इस चीज को हम लोग यहाँ से ये विकर्ण के माध्यम से हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग एक एक करके इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, क्लियर। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है,
चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, अंतः भाग एवं बाह्य भाग। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, अंतः भाग एवं बाह्य भाग। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, दूसरा बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो 360 अंश के बेस पे होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है भाई? तो 360 अंश के बेसिस पे होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। चतुर्भुज एक क्या रचना है? तो चतुर्भुज एक बंद आकृति वाला है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, दूसरा बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा, चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। अब इस चीज को हम लोगों को शीर्ष के हिसाब से देखते हैं भाई। हम लोगों को इस चीज को हम लोग किसके बेसिस पे देखते हैं? शीर्ष के बेसिस पे देखते हैं। हमारे पास शीर्ष के अकॉर्डिंग में क्या क्या चीज आते हैं और किस किस के बेसिस पे आता है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग शीर्ष के बेसिस पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या होता है। तो अगर शीर्ष के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, हमारे पास इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो शीर्ष के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। देखिए, ये आप लोगों का शीर्ष के बेसिस पे हो जाएगा और ये आप लोगों का किसके बेसिस पे हो जाएगा? ये आप लोगों के भुजा के बेसिस पे हो जाएगा। ये आप लोगों के भुजा के बेसिस पे हो जाएगा और ये आप लोगों के कोण के बेसिस पे हो जाएगा। ये आप लोगों के किसके बेसिस पे हो जाएगा भाई? ये आप लोगों के कोण के बेसिस पे हो जाएगा। तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट के माध्यम से आता है, ये सारे चीज को हम लोग यहां से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग इसी चीज को देखते हैं भाई। ठीक है, कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, अंतः भाग एवं बाह्य भाग। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, अंतः भाग होता है एवं बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग शीर्ष के माध्यम से पहला देखते हैं भाई। हमारे पास शीर्ष के माध्यम से पहला देखते हैं, तो शीर्ष के माध्यम से हमारे पास क्या क्या चीज आता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखते हैं, हमारे पास शीर्ष में पहला जो कंटेंट होता है वो आप लोगों का ए शीर्ष होता है। फिर दूसरा कंटेंट क्या होता है भाई? हमारे पास बी शीर्ष होता है। दूसरा क्या होता है? बी शीर्ष होता है। और तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा हमारे पास होता है सी शीर्ष। और चौथा होता है भाई हमारे पास डी शीर्ष होता है। ठीक है, तो चलिए ए बी सी डी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास ये चीज को देखते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास क्या क्या चीज हो जाएगा, इस कंटेंट के बेस पे हमारे पास इस चीज को देखते हैं। क्लियर, क्योंकि यहां से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो शीर्ष के अनुसार से हमारे पास क्या क्या होगा। तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, ये तो जान गए। ठीक है, अब यहां पर ए शीर्षक निर्माण कब कब होता है, इस चीज को देखिए। जब भुजा मिलते हैं तो क्या बनता है? शीर्ष बनता है। इस चीज को तो जानते हैं, क्योंकि त्रिभुज में मैं इस चीज को बता दिया हूं। किसने बता दिया हूं मैं इस चीज को? त्रिभुज में बता दिया हूं कि जब भुजा मिलते हैं तो क्या बनता है? शीर्ष बनता है। जब भुजा मिलते हैं तो क्या बनता है? शीर्ष बनता है। जब भुजा मिलते हैं तो क्या बनता है? शीर्ष बनता है। ठीक है, और जब भुजा मिलते हैं तो क्या बनता है? शीर्ष बनता है। जब भुजा मिलते हैं तो क्या बनता है? शीर्ष बनता है। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है, किस किस के बेसिस पे होता है, ये सारे चीज को हम लोग यहां से देखते हुए चले जाते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति
कि आप लोगों की चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, दूसरा बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष और चार भुजा होते हैं एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों को यह कितने अंश का होता है, तो 360 अंश का होता है। क्लियर। तो पहला शीर्ष के बेस पे देखते हैं, हमारे पास ए के बेस पे क्या आता है, बी के बेस पे क्या आता है, सी के बेस पे क्या आता है, डी के बेस पे क्या आता है। तो पहला ए शीर्ष के लिए देखते हैं भाई, ए शीर्ष किस किस से मिलकर के बना है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। देखिए ए शीर्ष मिल के बना है एडी, एडी भुजा से, एडी भुजा प्लस एबी भुजा से, ये मिल के बना है। ये चीज देखिए, एडी भुजा और एबी भुजा से मिलके ये बना है। क्लियर। चलिए, ये आप लोगों का मिला है एडी भुजा और एबी भुजा से, ये मिला है आप लोगों का एडी भुजा और एबी भुजा से मिलके बना है। ये आप लोगों का किससे मिला है, एडी भुजा और एबी भुजा से मिल करके बना है। ये आप लोगों का एडी भुजा और एबी भुजा से मिल करके बना है। तो ए शीर्ष के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब एडी भुजा एबी भुजा से मिलता है भाई, जब एडी भुजा किससे मिलता है, एबी भुजा से मिलता है, तो ए शीर्ष बनता है। ठीक है, किस कब ए शीर्ष बनता है आप लोगों को पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग बोलिएगा कि जब एडी भुजा एबी भुजा से मिलता है, तब यहाँ पर क्या बनता है, ए शीर्ष बनता है। जब एडी भुजा किससे मिलता है, एबी भुजा से मिलती है, तब क्या बनता है, ए शीर्ष बनता है। तो ए शीर्ष के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, इस कंटेंट के हिसाब से जब एडी एबी से मिलता है, तब ये कंटेंट आपके पास आता है। क्लियर। तो जब एडी एबी से मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए शीर्ष बनेगा। और जब बी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो बी के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास, ये कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास ये चीज आता है कि जब एबी एबी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं और एडी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो यहां से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष, डी शीर्ष, एबी भुजा, बीसी भुजा, सीडी भुजा, डीए भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज को हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि क्या क्या आता है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को हम लोग यहाँ से जान रहा था। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज को यहाँ से हम लोग देख सकते हैं भाई। क्लियर। तो शीर्ष के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि एडी के माध्यम से क्या होता है, एबी के माध्यम से क्या होता है, ये चीज को हम लोग को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, ए शीर्ष के बेस पे क्या होता है, बी के बेस पे क्या होता है, सी के बेस पे क्या होता है, डी के बेस पे क्या होता है, एडी प्लस एबी। चलिए, तो AD प्लस AB के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो AD AB से मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, A शीर्ष। B शीर्ष कब बनेगा, जब ये मिलेगा AB, जब AB मिलेगा BC से। चलिए, जब AB मिलेगा किससे, BC से। जब AB किससे मिलेगा भाई, BC से। AD AB, जब AD और AB भुजा मिलता है, तो यहाँ पर A के बेस होता है। ठीक है, AB प्लस BC भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो AD प्लस AB भुजा के बेस पे हो जाएगा, और AB प्लस BC भुजा मिलेगा, तो B शीर्ष हो जाएगा। AD AB भुजा के बेस हो जाएगा, तो A शीर्ष। AB BC के बेस हो जाएगा, तो B शीर्ष। AD AB के बेस हो जाएगा, तो A शीर्ष। AB BC के बेस हो जाएगा, तो B शीर्ष। ठीक है, AD AB के बेस हो जाएगा, तो A शीर्ष। AB BC के बेस पे मिलेगा, तो शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, जब एडी भुजा एबी भुजा से मिलेगा, तब क्या बनेगा, ए शीर्ष। ठीक है, दो भुजाओं के संयोग से क्या बनता है, शीर्ष बनता है। मैं बताया था त्रिभुज में भी बताया था कि दो भुजाओं के संयोग से क्या बनता है, शीर्ष बनता है। तो एक एडी और एबी मिल जाएगा, तो ए भुजा बनेगा, और एक एबी और बीसी मिल जाएगा, तो बी शीर्ष बनेगा। जब एबी और बीसी मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, बी शीर्ष बनेगा। और जब एडी और एबी मिल जाएगा, तो ए शीर्ष बनेगा। एडी और एबी मिलेगा, तो ए शीर्ष बनेगा। एबी और बीसी मिलेगा, तो बी शीर्ष मिलेगा। ठीक है, तो एडी भुजा और एबी भुजा के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो यहां पर आप लोगों का ए मिलेगा। क्लियर। तो चलिए इस चीज को देखते हैं, एडी भुजा एबी भुजा से मिल जाएगा, तो ए शीर्ष। एबी भुजा बीसी भुजा से मिल जाएगा, तो बी शीर्ष। ठीक है, अब सी शीर्ष की बात करते हैं, तो बीसी मिल जाता है भाई, ये बीसी भुजा मिल जाएगा डीसी भुजा से, ये बीसी भुजा मिल जाएगा डीसी भुजा से। चलिए इस कंटेंट को हम लोग यहां से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए, बीसी भुजा मिल गया डीसी से, बीसी भुजा मिल गया डीसी से, तब यहां पर क्या हो जाएगा, बीसी भुजा मिल गया डीसी से, तब यहां पर क्या हो जाएगा, सी शीर्ष बनेगा। क्या शीर्ष बनेगा, सी शीर्ष बनेगा। क्या शीर्ष बनेगा, सी शीर्ष बनेगा। ठीक है, तो बीसी भुजा मिल जाएगा डीसी भुजा से, तो क्या बनेगा, सी शीर्ष बनेगा। तो बीसी भुजा मिल जाएगा डीसी भुजा से, तो क्या बन जाएगा, सी शीर्ष बन जाएगा। क्लियर। अब डी के बेस पे देखते हैं, तो डी के बेस पे देखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडी भुजा मिलेगा भाई, एडी भुजा मिलेगा सीडी भुजा से, एडी भुजा मिलेगा सीडी भुजा से, तब डी शीर्ष
शीर्ष बनेगा, क्या शीर्ष बनेगा, डी शीर्ष बनेगा। तो शीर्ष के लिए देखिए भाई, ए शीर्ष का निर्माण कैसे हो रहा है इसको आप लोग, इतना डिटेल कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ाएगा, क्लियर। इसलिए अच्छे तरीके से इस चीज को देख लीजिए। ए शीर्ष कब निर्माण होता है, तो ए का निर्माण होता है एडी और एबी के बेस पे। ए शीर्षक निर्माण कब होता है, एडी और एबी के बेस पे। ए शीर्षक निर्माण कब होता है भाई, जब एडी और एबी मिलता है। ए शीर्षक निर्माण कब होता है, जब एडी और एबी मिलता है। एडी एडी जब एबी से मिलेगा तो ए शीर्ष बनेगा, एबी जब बीसी से मिलेगा तो बी शीर्ष मिलेगा, बीसी जब डीसी से मिलेगा तो सी शीर्ष मिलेगा, एडी जब सीडी से मिलेगा तो डी शीर्ष मिलेगा। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं, तो एडी मिलेगा एबी के पास, एडी मिलेगा आपका एबी के पास तो ए बनेगा, एबी मिलेगा आपके बीसी के पास तो बी मिलेगा, बीसी मिलेगा आपके डीसी के पास तो सी मिलेगा, एडी मिलेगा आपके सीडी के पास तो डी मिलेगा। एडी एबी के साथ संयोग करेगा तो ए बनेगा, एबी बीसी के साथ संयोग करेगा तो बी बनेगा, बीसी डीसी के साथ संयोग करेगा तो सी बनेगा, एडी सीडी के साथ संयोग करेगा तो डी बनेगा। ए कब बनेगा, जब एडी एबी के साथ मिल रहा है। एडी किससे मिल रहा है भाई, एबी से मिल रहा है। एबी किससे मिल रहा है भाई, एडी से मिल रहा है। एडी किससे मिल रहा है भाई, एबी से मिल रहा है। तो क्या बन ए बन रहा है। एडी किससे मिल रहा है, एबी से, तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। एडी किससे मिल रहा है, एबी के साथ। एबी किससे मिल रहा है, एडी के साथ, तो क्या शीर्ष बन रहा है, ए शीर्ष बन रहा है। बी शीर्ष कैसे बनेगा भाई, बी शीर्ष कैसे बनेगा बताइए, बी शीर्ष कैसे बनेगा, जब एबी मिलेगा बीसी के साथ या बीसी मिलेगा एबी के साथ या एबी मिलेगा बीसी के साथ। दो भुजा, कितने भुजा, दो भुजा भाई, कितने भुजा, दो भुजा। तो यहां पर देखिए, एडी मिल जा रहा है एबी के साथ तो ए शीर्ष, एबी मिल जा रहा है बीसी के साथ तो बी शीर्ष, एडी मिल जा रहा है एबी के साथ तो ए शीर्ष, एबी मिल जा रहा है बीसी के साथ तो बी शीर्ष, एडी मिल जा रहा है एबी के साथ तो ए शीर्ष, एबी मिल जा रहा है बीसी के साथ तो बी शीर्ष, बीसी मिल जा रहा है डीसी के साथ तो सी शीर्ष, बीसी मिल जा रहा है जब सीडी के साथ तो सी शीर्ष, बीसी मिल जा रहा है जब सीडी के साथ तो सी शीर्ष, और एडी मिल जा रहा है जब सीडी के साथ, एडी मिल जा रहा है जब सीडी के साथ तो क्या हो जाएगा, डी शीर्ष कहलाएगा। ये किसके बेसिस हो जाएगी आप लोगों के, डी शीर्ष के बेस हो जाएगा। तो जब इस चीज को हम लोग देखते हैं एडी प्लस एबी के बेस पे, हम लोग किसके बेस पे देखते हैं भाई, एडी प्लस एबी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो एडी प्लस एबी के बेस पे जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किस किस कंटेंट के अनुसार आते हैं, ये सारे चीज को हम लोग यहां से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम लोग एडी के माध्यम से देखते हैं, फिर एबी के माध्यम से देखते हैं, फिर एबी के माध्यम से देखते हैं, फिर बीसी के माध्यम से देखते हैं। ये दोनों चीज किस किस माध्यम से होता है, ये किस किस के बेसिस पे होता है, ये सारे चीज को हम लोग यहां से देखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं, किस किस के बेसिस पे आते हैं, ये सारे चीज को यहां से हम लोग क्लियर करते हैं भाई, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते जाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते जाता है, किस किस के बेसिस पे आते जाता है, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग यहां से क्या करते हैं, जानते जाते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास क्या आएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहां से क्लियर करेंगे भाई। तो पहला तो स्टार्टिंग में हम लोग शीर्ष के बेस पे देख रहे हैं, स्टार्टिंग में हम लोग इसको किसके बेस पे देख रहे हैं, शीर्ष के बेस पे। जब एडी मिल जाता है एबी के बेस पे, जब एडी मिल जाता है एबी के बेस पे तो ए शीर्ष कहलाता है, जब एडी मिल जाता है एबी के बेस पे तो ए शीर्ष कहलाता है, और जब एबी मिल जाता है बीसी के बेस पे तो क्या शीर्ष कहलाता है भाई, बी शीर्ष कहलाता है, और जब बीसी मिलता है डीसी के बेस पे तो सी शीर्ष कहलाता है, और जब एडी मिलता है सीडी के बेस पे तो क्या कहलाता है, डी शीर्ष कहलाता है। तो क्या शीर्ष कहलाता है, डी शीर्ष कहलाता है। तो एक आप लोगों का ए के माध्यम से होता है, दूसरा बी के माध्यम से होता है, तीसरा के माध्यम से होता है, चौथा आप लोगों के डी के माध्यम से होता है, ठीक है। तो एक एक कंटेंट करके इस चीज को हम लोग देखते जाते हैं भाई। एक को हम लोग ए के माध्यम से देखते हैं, तो एक को बी के माध्यम से देखते हैं, एक को सी के माध्यम से देखते हैं, एक को हम लोग डी के माध्यम से देखते हैं। तो एडी जब एबी के साथ सहयोग करेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। एडी जब एबी के साथ सहयोग करेगा तो क्या बनेगा भाई, ए बनेगा, ठीक है। एबी किसके साथ सहयोग कर रहा है भाई, एडी के साथ, तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। एबी किसके साथ सहयोग कर रहा है, बीसी के साथ, तो क्या बन रहा है, बी बन रहा है। बीसी किसके साथ सहयोग कर रहा है, डीसी के साथ, तो क्या बन रहा है, सी बन रहा है। एडी किसके साथ सहयोग कर रहा है, सीडी के साथ, तो डी बन रहा है। सीडी किसके साथ कर रहा है, एडी के साथ, सीडी भुजा, एडी भुजा के साथ कर रहा है, तो डी शीर्ष, और डीसी भुजा बीसी भुजा के साथ कर रहा है तो सी शीर्ष, बीसी भुजा एबी भुजा के साथ कर रहा है तो बी शीर्ष, एबी भुजा एडी भुजा के साथ कर रहा है तो ए शीर्ष, ए शीर्ष जब एडी भुजा और एबी भुजा मिलते हैं तो ए शीर्ष बन जाता है भाई। बी शीर्ष कब बनता है, जब एबी भुजा बीसी भुजा से मिलता है तो भाई, बीसी भुजा जब डीसी भुजा से मिलता है तो क्या बनता है भाई, सी शीर्ष बनता है भाई। और डी के बेस पे देखते हैं, एडी भुजा जब सीडी भुजा से मिलता है तो क्या बनता है भाई, डी शीर्ष बनता है भाई। डी शीर्ष कब बनता है भाई, जब एडी भुजा सीडी भुजा से मिलता है भाई। सी शीर्ष कब बनता है, बीसी भुजा डीसी भुजा से मिलता है।
बी शीर्षक कब बनता है जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलता है, ए शीर्षक कब बनता है जब ए डी भुजा ए बी भुजा से मिलता है, ए डी जब ए बी से मिलेगा तो ए बनेगा भाई, ए बी जब बी सी से मिलेगा तो बी मिलेगा भाई, बी सी डी सी से मिलेगा तो सी मिलेगा भाई, ए डी सी डी से मिलेगा तो डी मिलेगा भाई, ए डी सी डी से मिलेगा तो डी मिलेगा भाई, बी सी सी डी से मिलेगा तो सी शीर्षक बनेगा, ए बी बी सी से मिलेगा तो बी बनेगा, ए डी ए बी से मिलेगा तो ए बनेगा भाई, क्योंकि चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है, क्योंकि हमारे पास चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज की आकृति है तो चतुर्भुज एक बंधाकृति है। चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं? तो चतुर्भुज के दो भाग होते हैं। चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं? तो चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं भाई। यहां से देखिए, इसको इस कलर के माध्यम से मैं शो अप कर दे रहा हूं, ठीक है? चलिए, चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज एक क्या आकृति है? चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं? तो चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है तो दूसरा बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं? तो चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश होता है? तो 360 अंश का होता है। क्लियर? तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक क्या आकृति है? तो चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं? तो चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है तो दूसरा बाह्य भाग होता है। पहला क्या भाग होता है? अंतः भाग। दूसरा क्या होता है? बाह्य भाग। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, दूसरा बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार भुजा होते हैं, हम चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, दूसरा बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार भुजा होते हैं एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, दूसरा बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार भुजा होते हैं एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंधाकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, अंतः भाग होता है, दूसरा बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंधाकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, दूसरा बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो जब शीर्षक के माध्यम से देखते हैं तो ए शीर्षक, ए शीर्षक निर्माण कैसे होता है? तो जब ए डी ए बी से मिल जाता है भाई। ए शीर्षक निर्माण कब हो जाएगा? जब ए डी ए बी से मिल जाएगा। ए शीर्षक निर्माण कब होगा? जब ए डी ए बी से मिलेगा। ए शीर्षक निर्माण कब होगा भाई? जब ए डी ए बी से मिलेगा। और बी शीर्षक निर्माण कब होगा भाई? जब ए बी बी सी से मिलेगा। बी शीर्षक निर्माण कब होगा भाई? तो जब यहाँ से हम लोगों के पास जब ए बी बी सी से मिलेगा तब इसका निर्माण होगा भाई। और इस कंटेंट के माध्यम से अगर आप लोगों को ये बोल दिया जाता है भाई सी शीर्षक, अगर आप लोगों को यह बोल दिया जाता है कि शीर्षक के माध्यम से कि शीर्षक का निर्माण कब होता है, तो यहां से आप लोग बोलोगे कि बीसी जब डीसी से मिल जाता है। डीसी बोलो या सीडी बोलो वही है भाई, ठीक है? तो चलिए, यहां ए के बेस पे देखते हैं, इसको बी के बेस पे, इसको सी के बेस पे, इसको डी के बेस पे। क्लियर? तो चलिए, ए को फोकस करो भाई, ए को फोकस करो, आपको कहीं नहीं जाना है, ए को फोकस करना है। तो ए को फोकस करते हैं, यहाँ से हम लोग किसको फोकस करते हैं भाई? ए को फोकस करते हैं। ए के बेस पे हमारे पास क्या आता है? इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास ये क्या चीज़ आता है? क्लियर?
जैसा कि हम लोग देख रहे थे शीर्षक माध्यम से, एक ए के माध्यम से होता है, एक बी के माध्यम से, एक सी के माध्यम से, एक डी के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसी कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज होता है, एक ए के माध्यम से देखते हैं, एक बी के माध्यम से, एक सी के माध्यम से, एक डी के माध्यम से, ठीक है। तो इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है, किस किस बेसिस पे आता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते जाते हैं। तो ए डी प्लस ए बी के माध्यम से देख लेते हैं, एक को ए बी प्लस बी सी के माध्यम से देख लेते हैं, एक को हम लोग बी सी प्लस डी सी के माध्यम से देख लेते हैं, एक को हम लोग एडी प्लस सीडी के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। तो जब ए शीर्षक के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एडी प्लस एबी भुजा के माध्यम से आता है, और जब एबी प्लस बीसी भुजा के माध्यम से आता है, एक बीसी प्लस डीसी भुजा के माध्यम से आता है, ठीक है। तो चलिए एडी प्लस सीडी के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास क्या क्या चीज आता है और किस किस बेसिस पे आता है, ये सारे चीज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या आता है, किस किस बेसिस पे आता है, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है, ये सारे चीज को हम लोग यहां से क्या करते हैं, क्लियर करते हुए चले जाते हैं, क्लियर। तो जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अगर इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं तो इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास ये जो दो चीज आते हैं यहाँ पर, ये दोनों चीज को आप लोगों को क्या करना है, जानना है भाई, ठीक है। तो ये दोनों चीज को अगर आप लोग जानते हैं तो ये किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के अनुसार आएगा, ये दोनों चीज को आप लोगों को जानना बहुत ही अनिवार्य है, क्लियर। तो इस कंटेंट के बेसिस पे आप लोग ये दोनों चीज को देखिए, ये किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस के अकॉर्डिंग में ये सॉल्व होते जाता है, क्लियर। तो चलिए एक ए डी प्लस ए बी के माध्यम से देखते हैं हम लोग, एक ए डी और ए बी के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। ए डी और ए बी को देखते हैं तो ए शीर्षा, ए बी और बी सी को देखेंगे तो बी शीर्षा, बी सी और डी सी को देखेंगे तो सी शीर्षा, ए डी और सी डी को देखेंगे तो डी शीर्षा, क्लियर। तो चलिए ए डी ए बी का ए हो जाएगा, ए बी बी सी का बी हो जाएगा, बी सी डी सी का सी हो जाएगा और ए डी सी डी का डी हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी ए बी का ए हो जाएगा, ए बी बी सी का बी हो जाएगा, बी सी डी सी का सी हो जाएगा, ए डी सी डी का डी हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग इस चीज को देखेंगे, जब AD भुजा AB भुजा से मिल जाएगा तो A, और जब AB भुजा BC भुजा से मिल जाएगा तो B, और जब BC भुजा DC भुजा से मिल जाएगा तो C, और जब AD भुजा CD भुजा से मिल जाएगा तो D, ये D के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज को यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये दो चीज होती है जो कि शीर्षक के हिसाब से होती है। तो पहला एडी भुजा के माध्यम से हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, तो एडी भुजा जब एबी से मिलेगा तो ए शीर्षा, एबी भुजा जब बीसी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षा, बीसी भुजा जब डीसी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्षा, एडी भुजा जब सीडी भुजा से मिलेगा तो डी शीर्षा कहलाएगा, क्लियर। तो ये शीर्षक के माध्यम से हो गया, ठीक है। अब यहां से आप लोग इस चीज को जान सकते हैं कि शीर्षक किस किस को बोला जाता है, शीर्षक किस किस के बेसिस पे होगा, ये सारे चीज को आप लोग जान सकते हैं। जैसे कि ये बी के बेस पे हो जाएगा और ये आप लोगों का सी के बेस पे, ये आप लोगों का डी के बेस पे, ये आप लोगों का ए के बेस पे, क्लियर। चलिए अब अगर इसको हम लोग ऐसा बनाएंगे तो अगर इस चीज को हम लोग ऐसे भुजा के माध्यम से देखते हैं, ये बी सी और ये आप लोगों का सी डी, ये आप लोगों का ए डी, ये आप लोगों का ए बी, क्लियर। चलिए तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं भाई। चलिए ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए बी हो जाएगा, इसको मैं ए बी लिख देता हूँ, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी, इस चीज को लिख देते हैं भाई बी सी, इसको हम लोग लिख लेते हैं बी सी, ए बी बी सी, और इस चीज़ को लिख लेते हैं भाई हम लोग सी डी, इस चीज़ को लिख लेते हैं सी डी, और इस चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग ए डी, इस चीज़ को लिख लेते हैं ए डी, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं, तो पहला ए बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो पहला आप लोगों का ए डी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब कोण के दृष्टि से देखते हैं, अब इसको हम लोग कोण के माध्यम से मान लेते हैं भाई, अब इस चीज़ को हम लोग कोण के बेस पे मान लेते हैं, ये कोणे, ये हो जाएगा कोण बी, ये हो जाएगा कोण डी, और ये हो जाएगा कोण सी, ये हो जाएगा, क्लियर। चलिए इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो एक हमारे पास ए बी के माध्यम से हो गया, एक हमारे पास किसके माध्यम से हो गया, बी सी के माध्यम से, एक हमारे पास हो जाएगा सी डी के माध्यम से, एक हो जाएगा हमारे पास ए डी के माध्यम से हो जाएगा, ये किसके माध्यम से हो जाएगा, ए डी के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि शीर्ष के बेस पे हमारे पास ये चीज देखे कि ए डी जब ए बी से मिल गया तो ए बना, ए बी जब बी सी से मिल गया तो बी बना, बी सी जब डी सी से मिल गया तो सी बना, ए डी जब सी डी से मिलेगा तो डी बनेगा भाई, ठीक है। तो ए डी ए बी से मिलेगा तो ए, ए बी बी सी से मिलेगा तो बी, बी सी डी सी से मिलेगा तो सी, ए डी सी डी से मिलेगा तो डी, ए डी ए बी से मिलेगा तो ए, ए बी बी सी से मिलेगा तो बी, बी सी सी डी डी सी से मिलेगा तो सी, ए डी सी डी से मिलेगा तो डी,
इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो ए डी ए बी के बेस हो जाएगा तो ए शीर्षा, ए बी बी सी के बेस हो जाएगा तो बी शीर्षा, बी सी डी सी के बेस हो जाएगा तो सी शीर्षा, और डी के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं तो ए डी सी डी के बेस हो जाएगा तो डी शीर्षा हो जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं कि चार शीर्षा होता है हमारे पास, ए शीर्षा के बेस होता है, एक बी शीर्षा के बेस होता है, एक सी शीर्षा के बेस होता है, एक डी शीर्षा के बेस होता है। तो चार शीर्षा होते हैं, एक ए के माध्यम से होता है, एक बी के माध्यम से होता है, एक सी के माध्यम से होता है, एक डी के माध्यम से होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए के माध्यम से देख लेते हैं, एक को बी के माध्यम से देख लेते हैं, एक को सी के माध्यम से देख लेते हैं, एक को हम लोग डी के माध्यम से देख लेते हैं। तो डी के माध्यम से भी हमारे पास इस कंटेंट के एक रोडिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है, ये किस किस के बेसिस पे आती है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से जब भी आप लोग इस चीज़ को देखोगे तो हमारे पास ये जो चीज़ आएगा वो किस किस के बेसिस पे रहेगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, शीर्ष के माध्यम से हमारे पास चार शीर्ष हो गए। अब चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? चतुर्भुज। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार भुजा होते हैं, हम चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजाएं, चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो शीर्ष ए के बेस पे देखते हैं तो ए डी प्लस ए बी होता रहता है। बी के बेस पे देखेंगे तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। सी के बेस पे देखेंगे तो बी सी और डी सी हो जाएगा। डी के बेस पे देखेंगे तो ए डी और सी डी हो जाएगा। ए शीर्ष के बेस पे देखेंगे तो एडी और एबी हो जाएगा। बी शीर्ष के बेस पे देखेंगे तो ए बी भुजा और बी सी भुजा हो जाएगा। सी के बेस पे देखेंगे तो बी सी और डी सी हो जाएगा। डी के बेस पे देखेंगे तो एडी और सी डी हो जाएगा। क्लियर? ये एडी और एबी के बेस पे हमारे पास ए शीर्ष आता है, एबी और बी सी के पास बी शीर्ष आता है, बी सी और डी सी के पास सी शीर्ष आता है, एडी और सी डी के पास डी शीर्ष आता है। ये शीर्ष हो गया। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास शीर्ष हो गया भाई, ये हमारे पास क्या हो गया? शीर्ष हो गया। अब देखते हैं भाई हम लोग भुजा के बारे में। अब हमारे पास भुजा के बारे में क्या क्या होता है इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब भुजा के बारे में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। तो यहाँ पर भुजा के बारे में देखते हैं, ये वन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? आपका टू हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। और ये लास्ट कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भुजा के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो भुजा के बेस पर हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आता है इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है? तो पहला ए बी भुजा के लिए देखते हैं भाई। ठीक है, पहला हम लोग देख लेते हैं ए बी भुजा के लिए क्या दिक्कत है। ठीक है, तो पहला ए बी भुजा, पहला क्या हो जाएगा? ए बी भुजा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? बी सी भुजा हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? सी डी भुजा हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? ए डी भुजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला ए बी भुजा लिख लो भाई, दूसरा बी सी भुजा, तीसरा सी डी भुजा, चौथा ए डी भुजा। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिखते जाते हैं भाई, किस किस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ आते जाता है। ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और ए डी भुजा। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये भुजा के माध्यम से हमारे पास है ना। हाँ, चलो देखते हैं इस भुजा के माध्यम से हमारे पास ये कंटेंट है। क्लियर? चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है? जैसे शीर्ष के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखे थे, ए डी और ए बी मिल गया तो ए बन गया, और ए बी और बी सी मिल गया तो बी बन गया, और बी सी और डी सी मिल गया तो सी बन गया, ए डी सी डी से मिल गया तो डी बन गया। ठीक है, ए डी सी डी से मिलेगा तो डी, बी सी डी सी से मिलेगा तो सी, ए बी बी सी से मिलेगा तो बी, ए डी ए बी से मिलेगा तो ए, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ए डी ए बी का ए हो जाएगा, ए बी बी सी का बी हो जाएगा, बी सी डी सी का सी हो जाएगा, ए डी सी डी का डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए डी ए बी का ए हो जाएगा, ए बी बी सी का बी हो जाएगा, बी सी डी सी का सी हो जाएगा, ए डी डी ए डी सी डी का डी हो जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है। अब ए बी भुजा है, तो ए बी भुजा है तो किससे मिलेगा भाई? जाहिर सी बात है कि ए बी भुजा रहेगा तो आपके पास किस किस कंटेंट से मिलेगा ये? अगर ए बी भुजा रहेगा तो आपके पास ये मिलेगा, जाहिर सी बात है कि ये ए और बी से मिलेगा,
एक इससे मिलेगा, बी से मिलेगा, जाहिर सी बात है, एक इससे मिलेगा, बी से मिलेगा, तो ए जब बी से मिलेगा तो ए बी भुजा मिलेगा, नाम से स्पष्ट है। देखो ए बी भुजा मतलब ए ए पहला शीर्ष है, बी दूसरा शीर्ष है, कोई भी ए पहला दूसरा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से ए बी भुजा है मतलब ए शीर्ष है, बी शीर्ष है, बी सी भुजा है मतलब बी शीर्ष है, सी शीर्ष है, सी डी भुजा है मतलब सी शीर्ष है, डी शीर्ष है, और ए डी भुजा है मतलब ए है और डी है, क्लियर। तो ए है और किस प्रकार से है, डी के बेस पे है, क्लियर। तो चलिए यहाँ से इसको मैं प्लस कर देता हूँ भाई, बी और सी के माध्यम से, एक इसको प्लस कर देता हूँ भाई सी और डी के माध्यम से, एक इसको मैं प्लस कर देता हूँ भाई ए डी भुजा के माध्यम से, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ए और डी के माध्यम से, ये किसके माध्यम से हो जाएगा, ए और डी के माध्यम से, क्लियर। चलिए ए डी और ए बी के माध्यम से ए, ए बी और बी सी के माध्यम से बी, बी सी और डी सी के माध्यम से सी, ए डी और सी डी के माध्यम से डी, ए बी भुजा ए प्लस बी, बी सी भुजा बी प्लस सी, सी डी भुजा सी प्लस डी, ए डी भुजा ए प्लस डी, ए बी भुजा ए प्लस बी, बी सी भुजा बी प्लस सी, सी डी भुजा सी प्लस डी, ए डी भुजा ए प्लस डी, ए बी भुजा ए प्लस बी, बी सी भुजा बी प्लस सी, सी डी भुजा सी प्लस डी, ए डी भुजा ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए डी भुजा सी प्लस डी, सी डी भुजा बी प्लस सी, बी सी भुजा ए प्लस बी, ए बी भुजा, ए बी भुजा किससे मिलकर बनेगा, ए शीर्ष और बी शीर्ष, जब ए शीर्ष मिलेगा बी शीर्ष के साथ तो ए बी भुजा बनेगा भाई, यहां से अच्छे से देखिए, जब ए मिल रहा है बी के साथ तो ए बी भुजा, और जब बी मिल रहा है सी के साथ तो बी सी भुजा, और जब सी मिल रहा है डी के साथ तो सी डी भुजा, और जब डी ए के साथ मिल रहा है तो ए डी भुजा के माध्यम से ये कहलाएगा भाई, क्लियर। तो यहां पर हम लोग इस चीज को देखते हैं ए बी के माध्यम से, तो ए बी के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो ए बी के माध्यम से हमारे पास ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा तो ए बी भुजा, और बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो बी सी भुजा, और सी शीर्ष डी शीर्ष से मिलेगा तो सी डी भुजा, और डी ए से मिलेगा तो ए डी भुजा कहलाएगा, क्लियर। तो एक आप लोगों के ए बी के बेस पे है, एक आप लोगों के बी सी के बेस पे है, एक आप लोगों के सी डी के बेस पे है, एक ए बी भुजा के बेस पे, एक बी सी भुजा के बेस पे, एक सी डी भुजा के बेस पे, एक ए डी भुजा के बेस पे, ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा तो ए बी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो बी सी भुजा, सी शीर्ष डी शीर्ष से मिलेगा तो सी डी भुजा, डी शीर्ष ए शीर्ष से मिलेगा तो ए डी भुजा, ए मिलेगा बी के साथ तो ए बी भुजा, बी मिलेगा सी के साथ तो बी सी भुजा, सी मिलेगा डी के साथ तो सी डी भुजा, डी मिलेगा ए के साथ तो ए डी भुजा, और जब ए डी भुजा ए बी भुजा से मिलेगा, जब ए डी भुजा ए बी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्ष, और जब ए बी भुजा, जब ए बी भुजा बी सी से मिलेगा, देखिए फिर से देखिए, जब ए बी मिलेगा बी सी से तो बी शीर्ष, और जब ए बी मिलेगा ए डी से तो ए शीर्ष, जब ए डी मिलेगा ए बी से तो ए शीर्ष, जब ए बी से बी सी मिलेगा तो बी शीर्ष, जब बी सी से मिलेगा सी डी, जब बी सी से मिलेगा सी डी तो सी शीर्ष, और जब सी डी से मिलेगा ए डी तो डी शीर्ष। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, तो ए डी हो जाएगा हमारे पास ए के बेस पे, और डी सी हो जाएगा ए डी के बेस पे, बी सी हो जाएगा बी सी के बेस पे, ए बी हो जाएगा ए बी के बेस पे, ठीक है। तो ए शीर्ष बी के साथ संयुग्मि करेगा तो ए बी भुजा, बी सी के साथ संयुग्मि करेगा तो बी सी भुजा, सी डी के साथ करेगा तो सी डी भुजा, ए डी के साथ करेगा तो ए डी भुजा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए शीर्ष बी शीर्ष सी शीर्ष डी शीर्ष ए बी भुजा बी सी भुजा सी डी भुजा ए डी भुजा, क्योंकि चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति आप लोगों की क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति क्या आती है, चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति आप लोगों की क्या कहलाती है, चतुर्भुज के बेसिस पे होता है। तो एक चतुर्भुज के बेसिस पे होता है, तो हमारे पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, ये कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो इस कंटेंट के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के बेसिस पे होता है भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट के बेसिस होता है इस चीज को हम लोग यहां से जान सकते हैं, क्लियर। तो इस कंटेंट के बेसिस पे जब हमारे पास ये जो चीज होगा, इस कंटेंट के बेस पे हमारे पास किस किस कंटेंट के अनुसार होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो चार भुजाओं घिरी बंधाकृति चतुर्भुज कहलाती है, चतुर्भुज एक बंधाकृति है, चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष चार भुजा एवं चार कोण होते हैं, एवं क्या होते हैं, चार कोण होते हैं, एवं क्या होते हैं, तो चार कोण होते हैं, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज आते जाएगा, इस चीज को हम लोग यहां से सॉल्व कर सकते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए, चतुर्भुज एक बंद आकृति है, चतुर्भुज एक क्या आकृति है, बंद आकृति है। चतुर्भुज एक क्या आकृति है भाई, तो चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज एक क्या आकृति है, तो चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, चतुर्भुज के कितने भाग होते हैं, तो चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। एक अंतः भाग होता है, एक क्या होता है, बाह्य भाग होता है। तो चतुर्भुज के एक बंद आकृति होती है, चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंतः भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण
खड़ा होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो 360 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? तो 360 अंश का होता है। तो चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंत भाग होता है, एक बाया भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंत भाग होता है, दूसरा बाया भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंत भाग होता है, एक बाया भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 अंश का होता है। जब शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो जब एडी भुजा एबी भुजा से मिलता है तो ए शीर्ष बनता है, और जब एबी भुजा बीसी भुजा से मिलता है तो बी शीर्ष बनता है, जब बीसी भुजा डीसी भुजा से मिलता है तो सी शीर्ष बनता है, जब एडी भुजा सीडी भुजा से मिलता है तो डी शीर्ष बनता है, जब एबी भुजा का निर्माण करते हैं। आप भुजा की दृष्टि से देखते हैं, ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा तो एबी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो बीसी भुजा, सी शीर्ष डी शीर्ष से मिलेगा तो सीडी भुजा, ए शीर्ष डी शीर्ष से मिलेगा तो एडी भुजा हो जाएगा, ए मिलेगा बी के साथ तो एबी भुजा, बी मिलेगा सी के साथ तो बीसी भुजा, सी मिलेगा डी के साथ तो सीडी भुजा, ए मिलेगा डी के साथ तो एडी भुजा, ए शीर्ष बी शीर्ष के साथ मिलेगा तो एबी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष के साथ मिलेगा तो बीसी भुजा, सी शीर्ष डी शीर्ष मिलेगा तो सीडी भुजा, एडी भुजा के माध्यम से देखते हैं, ए डी के साथ मिलेगा तो एडी भुजा कहलाएगा, ठीक है। तो एडी एबी के माध्यम से हो जाएगा तो ए शीर्ष कहलाएगा, एबी बीसी के माध्यम से हो जाएगा तो बी कहलाएगा, बीसी डीसी के माध्यम से हो जाएगा तो सी कहलाएगा, एडी सीडी के माध्यम से हो जाएगा तो डी कहलाएगा, एबी के माध्यम से हो जाएगा तो एबी कहलाएगा, बीसी के माध्यम से हो जाएगा तो बीसी कहलाएगा, सीडी के माध्यम से हो जाएगा तो सीडी कहलाएगा। एडी के लिए देखते हैं, एडी के साथ हो जाएगा तो एडी भुजा कहलाएगा, एबी के साथ हो जाएगा तो एबी भुजा हो जाएगा, बीसी के साथ हो जाएगा तो बीसी भुजा हो जाएगा, सीडी के साथ रहेगा तो सीडी भुजा हो जाएगा, एडी के साथ रहेगा तो एडी भुजा हो जाएगा, एडी के साथ रहेगा तो एडी भुजा हो जाएगा, सीडी के साथ रहेगा तो सीडी भुजा कहलाएगा, बीसी के साथ मिलेगा तो बीसी भुजा कहलाएगा, एबी के साथ रहेगा तो एबी भुजा कहलाएगा, एडी के साथ रहेगा तो एबी भुजा कहलाएगा, एडी एडी जब एबी के साथ मिलेगा तो ए शीर्ष बनता है, एबी बीसी के साथ मिलता है तो बी शीर्ष कहलाता है, बीसी जब डीसी के साथ मिलता है तो सी शीर्ष कहलाता है, एडी सीजी के साथ मिलता है तो डी कहलाता है। तो एक शीर्ष के हिसाब से होता है, एक भुजा के हिसाब से होता है, एक भुजा के हिसाब से होता है तो एक शीर्ष के हिसाब से होता है। तो जिस तरीके से हम लोग यह चीज जानते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, क्लियर। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंत भाग होता है, एक बाया भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा एवं चार कोण होते हैं, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंत भाग होता है, एक बाया भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार भुजा होते हैं एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 अंश का होता है। एक एडी के माध्यम से होता है, एडी और एबी इक्वल टू ए शीर्ष होता है, एबी बीसी से मिलता है तो बी शीर्ष, बीसी डीसी से मिलता है तो सी शीर्ष, एडी सीडी से मिलता है तो डी शीर्ष। एबी भुजा कब बनता है भाई? जब एबी के साथ मिलता है तो एबी भुजा, बीसी के साथ मिलता है तो बीसी भुजा, सीडी के साथ मिलता है तो सीडी भुजा, एडी के साथ मिलता है तो एडी भुजा, एडी मिलता है एबी के साथ तो ए शीर्ष, एबी भुजा मिलता है बीसी के साथ तो बी शीर्ष, बीसी मिलता है डीसी के साथ तो सी शीर्ष, एडी मिलता है सीडी के साथ तो डी शीर्ष, ए मिलता है बी के साथ तो एबी भुजा, बी मिलता है सी के साथ तो बीसी भुजा, सी मिलता है डी के साथ तो सीडी भुजा, ए मिलता है डी के साथ तो एडी भुजा, ए मिलता है डी के साथ तो एडी भुजा, ए मिलता है बी के साथ तो एबी भुजा, ठीक है। एडी मिलेगा एबी के साथ तो ए शीर्ष, एबी मिलेगा बीसी के साथ तो बी शीर्ष, बीसी मिलेगा डीसी के साथ तो सी शीर्ष, एडी मिलेगा सीडी के साथ तो डी शीर्ष, एबी मिलेगा हमारे पास यहां पर देखते हैं तो ए मिलता है बी के पास तो क्या मिलता है? ए शीर्ष बी शीर्ष के पास मिलेगा तो एबी भुजा, बी मिलेगा सी के साथ तो बीसी भुजा, सी मिलता है डी के साथ तो सीडी भुजा, एडी भुजा के माध्यम से देखते हैं भाई, एडी के साथ मिलता है तो एडी भुजा। तो एडी और एबी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, क्लियर। तो चलिए, एडी भुजा एबी भुजा के माध्यम से मिलेगा तो ए शीर्ष कहलाएगा, एबी भुजा बीसी भुजा के माध्यम से मिलेगा तो बी शीर्ष कहलाएगा, और बीसी भुजा डीसी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्ष कहलाएगा, एडी भुजा सीडी भुजा से मिलेगा तो डी शीर्ष कहलाएगा, ए और बी शीर्ष जब मिलते हैं तो एबी भुजा कहलाते हैं, बी जब सी के साथ मिलते हैं तो बीसी भुजा कहलाते हैं, सी जब डी के साथ मिलते हैं तो सीडी भुजा कहलाते हैं, ए जब डी के साथ मिलते हैं तो एडी भुजा कहलाते हैं। अब कोण के हिसाब से देखते हैं भाई इस चीज को। अब तीसरा क्या है? कोण। कोण के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं। किसके हिसाब से देखते हैं? कोण के हिसाब से देखते हैं। तो कोण के हिसाब से हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए, एंगल ए मतलब कोण ए कब बनेगा, कोण बी कब बनेगा, कोण सी कब बनेगा, कोण डी कब बनेगा, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि शीर्ष के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखें कि यदि
ए डी मिल रहा है ए बी के साथ तो ए बन रहा है, ए बी मिल रहा है बी सी के साथ तो बी बन रहा है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के माध्यम से आता है इस चीज को देखते हैं। तो ए डी ए बी के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज होता है, तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग ए डी ए बी के माध्यम से होता है तो ए शीर्ष, ए बी बी सी के माध्यम से होता है तो बी शीर्ष, बी सी डी सी के माध्यम से होता है तो सी शीर्ष, ए डी सी डी के माध्यम से होता है तो सी डी शीर्ष होता है। एडी भुजा एबी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्ष, एबी भुजा बीसी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्ष, बीसी भुजा डीसी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्ष, एडी भुजा मिलेगा सीडी भुजा से तो डी शीर्ष, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ये सारे चीज को हम लोग देखते हैं। तो एडी एबी से मिलेगा तो ए शीर्ष, एबी बीसी से मिलेगा तो बी शीर्ष, बीसी डीसी से मिलेगा तो सी शीर्ष, एडी सीडी से मिलेगा तो डी शीर्ष। अब भुजा को देखते हैं भाई, एबी भुजा, ए शीर्ष मिलता है बी शीर्ष के साथ तो ए बी भुजा, बी शीर्ष मिलता है सी शीर्ष के साथ तो बी सी भुजा के लिए हम लोग इस चीज को करते हैं, क्लियर। तो चलिए यहां पर इस चीज को हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं ए बी भुजा के माध्यम से, ठीक है। तो ए बी भुजा के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि यहां से ए बी के साथ मिलेगा तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए शीर्ष बी से मिलेगा तो ए बी भुजा, बी सी से मिलेगा तो बी सी भुजा, सी डी से मिलेगा तो सी डी भुजा, ए डी से मिलेगा तो ए डी भुजा। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज आता है इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को हम लोगों को क्या क्या होता है इस चीज को हम लोग देखते हैं भाई, क्लियर। तो चलिए यहां से हम लोग इस चीज को देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज होता है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए चलिए तो यहां से हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई हमारे पास क्या होगा तो इस चीज को, ठीक है, हम लोग देखते हैं। चलिए तो यहां से हो जाएगा ए बी भुजा के माध्यम से ए बी से मिल रहा है तो ए बी भुजा, ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा तो ए बी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा बी सी भुजा, सी शीर्ष डी से मिलेगा तो सी डी भुजा, ए डी से मिलेगा तो ए डी भुजा के माध्यम से हो जाएगा, क्लियर। चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं हमारे पास ए बी भुजा इक्वल टू ए प्लस बी के बेस हो जाएगा तो ए बी भुजा हो जाएगा, बी प्लस सी के बेस हो जाएगा तो बी सी भुजा हो जाएगा, सी प्लस डी के बेस हो जाएगा तो सी डी भुजा, ए डी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज होता है इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं हमारे पास क्या क्या होता है इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। चलिए तो इस कंटेंट के बेस पे हमारे पास क्या क्या होता है इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हुए जाते हैं भाई, ठीक है। तो ए डी ए बी के बेस पे हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिलता है, ए शीर्ष मिलता है, ए बी बीसी के माध्यम से हो जाता है तो बी शीर्ष, बी सी डीसी के माध्यम से हो जाता है तो सी, ए डी सी डी से मिलेगा तो डी, और जब ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलता है तो ए बी भुजा, बी सी के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज होता है इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो इस कंटेंट के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आता है इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग ये चीज को देख सकते हैं, क्लियर। अब यहां पर हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि यहां पर क्या क्या होता है, ठीक है। तो जब ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलता है तो ए बी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलता है तो बी सी भुजा, सी शीर्ष डी से मिलता है तो सी डी भुजा, ए डी से मिलता है तो ए डी भुजा मिल जाता है, ठीक है। कोड़े कोड़े कब बनेगा भाई, जब ए बी और ए डी के बीच में झुकाव रहेगा, जब ए बी और ए डी के बीच में झुकाव रहेगा, जब ए डी और ए बी के बीच में झुकाव रहेगा, ये ए बी और ए डी के बीच में झुकाव रहेगा तो ए बनेगा, और जब ए बी और बी सी के बीच में झुकाव रहेगा, जब ए बी और बी सी के बीच में झुकाव रहेगा तब बी बनेगा। अब सी के लिए हम लोग देखते हैं, जब बी सी और सी डी में झुकाव रहेगा, जब बी सी और सी डी में झुकाव रहेगा, जब बी सी और सी डी में झुकाव रहेगा तब सी बनेगा। और डी कब बनेगा भाई, डी कब बनेगा, जब ए डी और ए डी और सी डी में झुकाव रहेगा तब क्या बनेगा, सी डी बनेगा, क्लियर। तो यहां से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज एक बंद आकृति है, चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंता भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या क्या आता है इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, चतुर्भुज एक बंद आकृति है, चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंता भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है, चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार भुजा होते हैं एवं चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का एक 360 अंश होता है, ए शीर्ष ए डी और ए बी मिलेगा तो ए शीर्ष, ए बी और बी सी मिलेगा तो बी शीर्ष, बी सी और डी सी मिलेगा तो सी शीर्ष, ए डी और सी डी मिलेगा तो डी। भुजा के बेस पे देखते हैं, ए बी से मिलेगा तो ए बी, बी सी से मिलेगा तो बी सी, सी डी से मिलेगा तो सी डी, ए डी से मिलेगा तो ए डी। कोण के बेस पे देखते हैं, ए बी ए डी से मिलेगा तो कोण ए, ए बी बी सी से मिलेगा तो कोण बी, बी सी सी डी से मिलेगा तो कोण सी, और ए डी सी डी से मिलेगा तो कोण डी के बेस हो जाएगा। तो ये आप लोगों का शीर्ष के माध्यम से हो जाएगा
जाएगा, ये आप लोगों का भुजा के माध्यम से हो जाएगी, आप लोगों का कोण के माध्यम से हो जाएगा। तो चार भुजाओं से घिरी बंधाकृति चतुर्भुज कहलाएगी। क्लियर? तो चतुर्भुज के बेस पे आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि चतुर्भुज एक बंधाकृति होती है। चतुर्भुज के दो भाग होते हैं, एक अंता भाग होता है, एक बाह्य भाग होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार भुजा होते हैं एवं चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 अंश का होता है। एडी एबी, एबी बीसी, बीसी डीसी, एडी सीडी के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, भुजा जब ए शीर्ष बी से मिलेगा तो ए बी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो बीसी भुजा, सी शीर्ष डी से मिलेगा तो सीडी भुजा, ए शीर्ष डी से मिलेगा तो एडी भुजा। जब ए बी और एडी के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण ए, ए बी और बीसी के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण बी, बीसी और सीडी के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण सी, एडी और सीडी के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण डी के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर? तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज देखें। इसके आगे का जो कंटेंट है आप लोगों का, चतुर्भुज का प्रकार क्या होता है, चतुर्भुज से रिलेटेड और कंटेंट होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग ये जाने कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के बारे में जाने, चतुर्भुज में शीर्ष क्या होता है, चतुर्भुज का भुजा क्या होता है, चतुर्भुज का कोण क्या होता है। इसके आगे का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होता है उसमें हम लोग देखेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार क्या होती है, समांतर चतुर्भुज क्या होती है, सम चतुर्भुज क्या होती है, संलग्न भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।